सिस्टम होता है उसके अंदर एंटर होना, इंटरवीन करना। कैन यू प्लीज रिपीट कम अगेन? मैन किसी भी ऑनगोइंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप एंटर होते हैं, इसमें इंटरवीन करते हैं। अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन कम बिटवीन अमंग पर्सन ग्रुप्स और ऑब्जेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग देम। ठीक है, और इसको फिर हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट से कैसे रिलेट किया था? मैं वो और किस तरह चेंज आते हैं ऑर्गेनाइज करने के वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो उसमें हमें इंटरव्यू करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, ताकि ग्रुप्स को जो हम अपडेट कर सकें वक्त हालात के साथ साथ। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे एक तो ये कि कंप्लीट हम लोगों ने जो भी पीछे चेंज में थियोरेटिकली हम लोग डिस्कस करते चले गए थे कि हमारे पास किस तरीके से कहाँ पे क्या चेंज मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग और ये तमाम चीज़ों का लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ पे उसकी बैरियर्स आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते चले गए थे। और फिर फाइनली हम लोगों ने इंटरवेंशन प्रोसेस के किस तरीके से चेंज एक्चुअली इंटरवीन करता है और चेंज किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीक अपना थोड़ा सा केस स्टडीज डिस्कस किया था। नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम लोगों ने एक जैसे सिंपल फॉर्मेट में हम लोगों ने उसको भी पहले सम अप किया था, और हमने बात की थी कि चेंज के जितने भी एलिमेंट्स को हम देखते हैं बाई दी एंड उनको हम सिंप्लीफाई करके हम अपने पास रिलेट कर रहे होते हैं अपने एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के साथ। किसी भी तरीके से बात की हुई हो, कैसे भी करके वो डिस्कस किया हुआ हो, रिलेट हमारे पास ऑटोमेटिकली वट एवर इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज इन द एलिमेंट्स, इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट की मुनासबत से हम इंटरनल कॉम्पोनेंट्स में चेंज लेकर आते रहते हैं। Now I would like to share with you, हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसको गो थ्रू करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द लेक्चर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बच्चे आप लोग ना अब अपने माइक्स ऑफ कर दो सब क्लास ना। Can you all see that now? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, मैम आ रही है। Okay, ठीक है। Total Quality Management explores processes to enhance quality and productivity. It examines the guidelines businesses use to eliminate manufacturing errors, streamline supply chain management, improve customer experience, and ensure employees are well trained. TQM applies to any business, whether it's a fledgling service company or a huge corporation. It's a management approach encompassing all facets of an organization, advocating production-wide accountability for the quality of the final product or service. TQM was developed by William Denning, an American statistician and management consultant. He advocated for statistical methods used to control quality in all areas, not just those associated with the product. He also published Out of Crisis in 1982, which outlined 14 points he believed could save the United States manufacturing industry. Denning believed variation threatened manufacturing. Variation refers to inconsistencies in parts, delivery times, practices, prices, and other key components that should be uniform to reduce waste. टॉक्स अबाउट द सेम थिंग्स, जैसे हम लोगों ने पीछे बात की भी थी कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी, जहाँ पे चाहे चेंज मैनेजमेंट की बात करो चाहे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करो, आपके पास वो वर्किंग जो कर रही होती है वो अपने इंटरनल फैक्टर्स को लेके कर रही होती है। जिस तरीके से यहाँ पे बात की कि ओके आपके पास किस तरीके से चाहे उसके सप्लायर्स हों, वन एवर नीडेड यू हैव टू चेंज modify the customers, you have to be customer focused, you have to change the employees, modify the employees, kahan pe kis tarike se supplier mein changes lekar aane hote hain,
या आप लोग किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस लेकर आ रहे होते हो. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल अबाउट? ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है? ओके, मेरी आवाज आ रही है अली? कोई एक स्टूडेंट अपना माइक खोल के पीछे बता दे. आ रही है मैम. ओके, ठीक है ना. व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल अबाउट? दैट इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीमिंग, सप्लाई चेन, इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंश्योरिंग द एम्प्लॉइज आर अप टू स्पीड विद ट्रेनिंग. ठीक है ना. अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ गए हमारे पास? एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेकेंड सप्लाई चेन का आ गया, यानी आपका सप्लायर एलिमेंट आ गया. आपका मैन्युफैक्चरिंग में जो हम बात कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या एम्प्लॉयज हुए आपके, वो आ गए. इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर फोकस आ गया, एंड इंश्योरिंग द एम्प्लॉयज आर अप टू स्पीड विद ट्रेनिंग. Total quality management aims to hold all parties involved in the production process accountable for the overall quality of the final product or service. That is all we have discussed earlier. हमने पहले भी बात की थी कि हम लोग जब total quality management की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारा हर element as per the changing environment हर लम्हे up to date होना चाहिए है. Whatever are the changing scenarios, उसके मुताबिक अगर हमारा element up to date नहीं होगा तो फिर हमारी production में भी lapse आएगा, हमारी service में भी lapse आएगा, हमारा customer focus खत्म होगा, कम होगा, और नतीजे में हमारी customer retention power भी कम होती चली जाएगी. ठीक है ना. It was developed by William Deming, a management consultant, जो आपके पास अब यहाँ पे gradually when we will get into the depth of total quality management, तो ये हमारे पास different processes introduce करवाता है. खास तौर पर इसमें हमारे पास आ रहा होता है एक six sigma process होता है. ये process जब हम आगे इंशाल्लाह देखो discuss करेंगे supply chain वाला element. इसके अलावा भी और चीजें भी होती हैं, मगर खास तौर पर ये processes जो है आपको, अगर आप supply chain management का subject पढ़ रहे होते हो या ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ पे भी आप इस पर्टिकुलर एरिया को गो थ्रू कर रहे होते हो. ओके, की पॉइंट्स को लेके जब हम लोग डिस्कस करेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स एज द नेम इम्प्लाइज. थ्रू आउट जब आप टोटल क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हो तो आप ये चीजों को वर्कआउट कर रहे होते हो कि किस तरीके से हमारे पास एरर फ्री एनवायरनमेंट हो, और उसमें कहीं पे अगेन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट मैक्सिमम एट पार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एलिमेंट एट पार कितना ज्यादा आप रख रहे होते हो, और थ्रू आउट हर लम्हे आप एरर्स को रिमूव कर रहे होते हो. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, टू स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इम्प्रूव customer service and ensure employees training. Focus is to improve the quality of an organization output including goods and services. Total quality aims to hold all parties, all stakeholders involved in the production process accountable for the overall quality of the final product or service. Isme kisi ko abhi tak yahan pe koi problem? What is total quality management all about? Kisi ko koi problem? Any query class? Okay, primary principles. जब हम लोग इसके बात कर रहे होते हैं, can you all hear me? Yes, ma'am, आ रही आवाज. Okay. प्राइमरी प्रिंसिपल्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैन बी डिफाइंड
at multiple levels. Obviously, as we have discussed earlier as well, that keep the thing in mind, requirements of every organization are different. Requirement of every sector are different. With the change in the requirement of the organization, the total quality management standards also varies. This is the reason जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास total quality management के लिए ISO वालों ने जो standards बनाए हुए हैं या कोई भी production management आपके standards होते हैं, benchmarks होते हैं, वो vary कर जाते हैं from industry to industry, from sector to sector, from organization to organization. They can be defined at multiple levels and may include adherence to various laws and regulations. Employees laws आपके labor laws क्या कहते हैं? Labor laws different sectors में different हैं. जैसे अभी हम लोगों ने बात की employees, क्योंकि आप तमाम elements को उनकी maximum security को ensure कर रहे हो, उनकी maximum performance को ensure कर रहे हो, तो वहां पे आपके different laws को आप ये देखते हो कि आप किस हद तक follow कर रहे हो. Employees में different sectors में different प्रोटेक्शन लॉज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्टर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. तो आपके वो लेबर लॉज जब वेरी हो रहे हैं, उसके मुताबिक उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेरी हो रहे हैं, तो वो कितना फॉलो हो रहे हैं. अब जैसे हमारे पास अभी कोविड की वजह से सिनेरियो चेंज हुआ है और उसके मुताबिक न्यू SOPs डिफाइन हुई हैं, न्यू प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स डिफाइन हुए हैं, न्यू एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स डिफाइन हुए हैं, तो वो चीज़ें कितनी फॉलो हो रही हैं उसके मुताबिक हम लोग कितना तमाम एनवायरनमेंट को गो थ्रू करते चले जा रहे हैं, तो कितना हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को फॉलो करते चले जा रहे हैं. कुछ सेक्टर्स स्टिल हमारे पास उनका लैप्स आ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे पास बहुत बड़ा जो आपके पास आ रहा होता है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है या प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे नज़र आ रहे हैं कि उसका अभी हमारे पास बिल्कुल सर्विस जो है वो क्या हुई हुई है, स्टेग्नेंट हुई हुई है. क्लियर है? प्राइमरी इंडस्ट्री इज यूजिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाइल इंडस्ट्रीज कैन आल्सो इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, एंड व्हाइल TQM ओरिजिनेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट्स प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑल डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ प्राइमरी प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM is considered as customer focused process. Have you people gone through the operation management subject? Aap logon ne operation management padha hai? Yes ma'am, padha to hai. Operations management. Yes ma'am. To complete subject iska padha hua hai na? Yes ma'am. अच्छा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अगर आप लोगों ने इनके उसमें हमारे पास एक ट्रेडिशनल मींस थे और उसमें हमारे पास एडवांस मींस आते चले गए थे, जिसमें हम कहते थे बिल्ड टू ऑर्डर है, ऑर्डर टू बिल्ड, और वहाँ पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भी पढ़ा होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरीके से वो भी हमारे पास एडवांस्ड अप्रोचेस टू ऑपरेशन मैनेजमेंट है. अब यहाँ पे एडवांस अप्रोच टू टोटल ऑपरेशन मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि आप यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, आप अपने प्रोडक्शन सिनेरियोज में, वर्किंग सिनेरियोज में स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशंस लेकर आते रहते हो. इट इज कंसिडर्ड एज कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस एंड एम्स फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. It strives to ensure all associated employees work toward the common goals of improving product or service quality as well as improving all the procedures that are in place for production. A special emphasis is put on fact-based decision making using performance metrics for monitoring process progress. Okay. प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं इसके? सबसे पहला प्रिंसिपल, ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल जिसपे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि इसका फोकस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का किन किन चीजों पर है. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज, द कस्टमर फर्स्ट, द कस्टमर फोकस. TQM फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पिलर ऑफ सक्सेस एज
we know that the current management systems, the current working systems of an organization focuses on employees, focuses on customer satisfaction. Hamare paas jo mukhtalif vision statements hain different organizations ki, wo bhi isi cheez pe focus kar rahi hoti hain ki aapke paas customer ki satisfaction ko ensure kiya jaye. The topmost organizations, unka yahi scenario chal raha hai. The first and foremost pillars of success is an unwavering focus on customer's experience in all interactions with the organization, from first contract through purchase and continued support. The customer should always be the main priority. Employee ownership se kya murad hai? Requires the involvement of every team member to ensure. हमने एक बात जिस वक्त हम लोग इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, हम इसी को लेके, अब अगर आप इसके एक एक प्रोसेस को लेके देखते, एक एक कंपोनेंट को, प्रिंसिपल को लेके गो थ्रू करते जाओगे, तो इसमें वर्डिंग्स डिफरेंट हैं, बट दे समहाउ रिवॉल्व अराउंड द सेम इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स यू एस्टैब्लिश the strength and weaknesses of an organization. यानी ये कि इसमें आप देखते हो customer है, employee है, process based में जब आप बात कर रहे होते हो तो process TQM focuses on the creation and implementation of processes that provide organization with the ability to find success and repeat it. Quantifying success. अब यहाँ पे क्या है, किस तरीके से आप infrastructure change कर रहे हो, infrastructure को वो कर workout कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, सप्लाई चेन को लेकर आ रहे हो, और इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में साथ में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हाईलाइट करते जा रहे हो. प्रोसेस बेस्ड, द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस. लास्ट वीक इंटरवेंशन प्रोसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और बिजनेस प्रोसेस हमने री इंजीनियरिंग में ये डिस्कस किया था. हमने कहा था कि वो आप लोगों ने ई कॉमर्स में पढ़ा हुआ है, और हमने कहा था कि एवरी नाउ एंड देन यू ग्रेजुअली स्प्लिट द ओवरऑल प्रोसेस इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. आप पूरे जॉब को, पूरे जॉब डिजाइन को सिंप्लीफिकेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन में लेकर जाते हो, सिंप्लीफाई करते हो, और उनमें से एक एक प्रोसेस को उठा के आप ग्रेजुअली उसकी प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनोवेशन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टोटल क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे भी यही कि प्रोसेस बेस्ड आप किस तरीके से लेते जा रहे हैं, विद द एबिलिटी टू फाइंड सक्सेस एंड रिपीट इट, किस तरीके से आप इंश्योर करते जा रहे हैं. सिस्टम इंटीग्रेट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज रिवॉल्व अराउंड लेवरेजिंग एवरी एसेट अवेलेबल टू द कंपनी. Every asset, again, the internal components of the organization, including the suppliers, including the distribution channels, including the employees, including the infrastructure. आप जब भी change लेकर आ रहे होते हो, आप monitor करते हो, and if you want to provide, if you want to incorporate innovation within the organization, you make change in either of the component. आप अपने employees में improvement लेकर आते हो, आप अपना supply chain या तो change करते हो या उसको modify करते हो या improvement लेकर आते हो. तो यही चीजें हमारे पास innovation का जरिया बनती हैं, हमारी further variations हम products में लेकर आ रहे होते हैं, और उसके जरिए हम total quality को ensure कर रहे होते हैं. System integration revolves around leveraging every asset available to the company that combine disparate parts of the organization into a single well-oiled machine working in complete synergy, complete synchronization, complete hierarchy. Ek synchronization, ek synergy mein pure components kaam karte hue hone chahiye hain. Have you people, do you people know about Keiretsu network? No, ma'am.
अच्छा किरेस, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, देखो डिफरेंट, जब आप लोगों ने ऑपरेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने, जब आप लोगों ने डिफरेंट बेंचमार्किंग, स्टैंडर्डाइजेशन और आप लोगों ने बिल्ड टू ऑर्डर, ऑर्डर टू बिल्ड, ये तमाम स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, ये तमाम चीजें पढ़ी हुई हैं अली? मैम ये ऑर्डर टू बिल्ड और बिल्ड टू ऑर्डर नहीं पढ़ा, बाकी बेंचमार्क और ट्रेडमार्क पढ़ा है। अच्छा, ये हमारे पास, ये भी ई-कॉमर्स है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, कि वहाँ पे भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को हम गो थ्रू कर रहे होते हैं, यानी एक वक्त में ये तमाम चीज़ें उन सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेट कर रही होती हैं। ऑपरेशन मैन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब आप बात कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर बहुत सारे अवकात में ऑपरेशन मैनेजमेंट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा होता है। अच्छा, सिस्टम इंटीग्रेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि सब कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए हैं, दे शुड वर्क लाइक अ वेल ऑइल्ड मशीन, के आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हर कोई अलग अलग काम कर रहा हो। अच्छा, किरेट्सु नेटवर्क हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा होता है? किरेट्सु नेटवर्क हमारे पास जापानीज मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसमें हम लोग कह रहे होते हैं कि उनका जो बिजनेस करने का तरीकेकार है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो क्या कहता है कि वो लोग लॉन्ग टर्म फैमिली ओनरशिप पे बात कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म फैमिली ओनरशिप या फैमिली एसोसिएशन से मुराद क्या है कि वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास, अब उनका एक कंपनी है तो उनका सप्लायर भी उनकी फैमिली में से ही हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उनकी फैमिली में से ही हो, और इस तरीके से वो अपनी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को एंश्योर कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बात क्लियर हुई है मैम? क्या मतलब फैमिली में से? देखो हमारे पास यानी ये कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ग्रो माय, हम लोगों ने जब ग्रोथ के डिफरेंट सिनेरियोस पढ़े होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, आप सप्लाई चैनल को एक्वायर कर रहे होते हो, आप बैकवर्ड में सप्लायर को एक्वायर कर रहे होते हो, आप फॉरवर्ड में आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्वायर कर रहे होते हो अपनी ग्रोथ के लिए। जब हम किरेट्सु नेटवर्क में बात करते हैं, तो ये वो किरेट्सु नेटवर्क ये कहता है कि आप अपने जो भी आपके प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हैं उसमें वो अपनी फैमिली में डिफरेंट लोग जो हैं वो उन एलिमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, दे जस्ट associate with your company being the supplier. अब इसके benefits क्या होते हैं, being the supplier, being the employee source, being the banker, financial source, उनका even जो financial institution है वो भी उनका इतना long term होता है, वो उनका long term, उस इतना long term होता है कि उसका benefit उनको ये मिलता है कि उनको economies of scale achieve करने के लिए मुस्तकिल एक tension नहीं होती। यानी ये कि देखो हमारे पास जब भी अगर मेरा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे लोन देता है, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही होती है कि मुझे एक थ्रू आउट टेंशन होती है कि आई हैव टू पे द इंटरेस्ट, ऐसा है या नहीं है? हमारे पास इस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की कोलैप्स की एक बहुत बड़ी वजह हमें यही दिख रही है ना कि उनकी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम आ रहा है। तो मगर ये कि जब हम जापानीज मॉडल में या हम ये किरेट्सु नेटवर्क में बात करते हैं, तो किरेट्सु नेटवर्क में उनका क्योंकि इतनी लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होती है, तो उसकी वजह से वो उनको बॉदर नहीं कर रहा होता, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। आप जस्ट इन टाइम अगर देखते हो, तो जस्ट इन टाइम बेसिकली जापानीज का ही, जस्ट इन टाइम भी आप लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, और जस्ट इन टाइम भी हमारे पास क्या है, जापानीज मॉडल में ही इन्वॉल्व होता है ना, जापानीज की एक टेक्निक है जिसके तहत हम कहते हैं कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी ये कि उनका सप्लायर भी उनको लॉन्ग टर्म अवेलेबल होता है। सप्लायर लॉन्ग टर्म अवेलेबल होने के बेनिफिट क्या है कि वो उनको मटेरियल परचेज करके स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सप्लायर बैक पे मेरे पास मौजूद है, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं उस वक्त उससे अपना मटेरियल मंगवा लूंगी, आई डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि ये मटेरियल मार्केट से शॉर्ट ना हो जाए, सही है ना? इस तरीके से हम लोगों का जस्ट इन टाइम वर्क कर रहा होता है, और ये हमारे पास
एंश्योर करने की, जस्ट इन टाइम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एंश्योर करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? किरेट्सु नेटवर्क। उस किरेट्सु नेटवर्क आप ये क्या किरेट्सु नेटवर्क में फैमिली का बता रही है, फैमिली से मुराद क्या है, खानदान वाले? मोस्ट देखो हमारे पास अगर मैं जापानीज कल्चर की बात करूं, अब फिर वही वाली बात कि हमारे पास जैसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं ये पूरे का पूरा जो है वो रिलेट कर रहा होता है हमारे वर्किंग सिनेरियोस के साथ। तो अगर आप जापानीज कल्चर की बात करो तो जापानीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड फैमिली कल्चर है। डू यू पीपल नो दैट फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है? क्या ये बात पता है आप लोगों को? नो मैम। जापानीज बहुत स्ट्रॉन्ग, हम लोग अगर जैसे हम लोग अमेरिकन कल्चर की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, जबकि हम यूरोपियन कंट्रीज में या इस किस्म या जापानीज कंट्रीज के जापान की बात करो तो हमारे पास क्या है, इनका फैमिली ओरिएंटेड कल्चर या कलेक्टिविज्म इधर ज़्यादा दिखता है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन लोगों की होती है फैमिलीज के अंदर, तो उसमें ये लोग ग्रोथ के लिए ज़्यादातर परसू यही तरीके कार कर रहे होते हैं कि आपका एक तो अपनी भी ग्रोथ मतलब इन लोगों की ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग इंश्योर होती है कि आप जब फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ, अगर मेरा सप्लायर लेट से मेरी फैमिली ही से रिलेटेड कोई बंदा होगा, ठीक है ना, मैं फैमिली से ही सीख कर रही होती हूँ, तो उसका क्योंकि उसका नतीजा क्या होता है कि वो जितनी मेरी लॉन्ग टर्म फैमिली एसोसिएशन है उतनी मेरी लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन एसोसिएशन हो जाएगी, इंश्योर हो गई स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर हो गई, उसकी वजह से उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। जापानीज कॉर्पोरेट कल्चर इसीलिए दैट इज अमंग द मोस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी वजह से ये लोग हैं, और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या आप हम बात कर रहे होते हैं जो स्पेशलिटी गुड्स होती हैं, हाई प्राइस गुड्स होती हैं, उनकी जो इंडस्ट्री है उसमें सर्वाइवल इतना आसान नहीं है, मगर इनको अब देखो आप पूरी अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त कोलैप्स के करीब है, डेट बेस्ड कल्चर है, जैसे ही इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आया है तो आप देखते हो कि उसमें फॉरन क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है, कंपनीज इंटरेस्ट नहीं पे ऑफ कर पा रही होती तो उसका जो वो है बैंक्रप्सी के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते चले जाते हैं। मगर जापानीज कल्चर में हम ये केसेस बहुत रेयर सुनते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनकी इतनी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी मालूम है कि अगर ये कंपनीज इस तरीके से बंद होती चली जाएंगी तो हमारा फिर लॉन्ग टर्म कस्टमर कोई नहीं रहेगा, और फिर ये कि वहाँ पे भी उसमें भी वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं एवरी कॉम्पोनेंट should be taken from the family. जब हम ये corporate governance या business ethics को लेके ये चीज़ें associate कर रहे होते हैं उधर भी ये चीज़ें हमें family ownership का concept सबसे strong, family ownership का हमें सबसे strong कहाँ पे मिलता है, Japanese culture में मिल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो elements जितने components हैं वो आपस में related हैं, long term success, अब उसमें success क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, अब किरेट्सु नेटवर्क में भी मेरा बेनिफिट क्या है कि जब मेरे पास मेरी लॉन्ग टर्म कलेबोरेशन हैं तो मैं जब इंटीग्रेट होके उनके साथ काम करूँगी तो एट टाइम्स इट हैपन्स दैट वट एवर इज द इनोवेशन इन एनी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इंटरनल फैक्टर्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, that particular innovation, that particular value addition will automatically be added to my company's finished product. yani ye ki agar mere paas long term association maujood hai aur long term meri integration hai apne internal factors ke sath, mera supplier itna long term hai, ab uska benefit kya hai ki jab bhi wo log kahin na kahin कोई वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे, कोई इनोवेशन कर रहे होंगे, तो वो इनोवेशन ऑटोमेटिकली मेरे एंड प्रोडक्ट में आ जाएगी। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे सप्लायर ने अपना कोई भी मटेरियल था वो चेंज किया, अब वो मटेरियल उसके पास चेंज हुआ, लेट्स से इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग, इफ आई एम रनिंग
अ टेक्सटाइल कंपनी, और टेक्सटाइल कंपनी में मैं लेट से बुटीक अगर मैं वर्किंग कर रही हूँ, अब उसमें मेरे पास मेरा जो सप्लायर था वो कॉटन प्रोड्यूस करके दे रहा था, अब कॉटन के साथ साथ उसने लेट से उसने लिनन और सिल्क और समथिंग लाइक दैट उसने अपने पास वैल्यू एडिशन किया, उसने मेरा सप्लाई मटेरियल चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास भी क्या होगी, मेरी रेंज भी ब्रॉड हो जाएगी, मेरे पास भी वो वैल्यू एडिशन काउंट होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जैसे अभी हमने बात की थी ना कि जापानीज कल्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाई टेक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास एक्सपेंसिव आपकी मशीनरी है या हम स्पेशलिटी गुड्स की बात करते हैं, तो वो उनमें सबसे ज़्यादा स्मूथली पूरी दुनिया की पूरी वर्ल्ड मार्केट को उन्होंने ग्रैब किया ना जापानीज ने। अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरी एक ऑटोमोबाइल, मेरी ऑटोमोबाइल असेंबलिंग प्लांट है, असेंबलिंग वाले मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते, और मेरे पास टायर का एक सप्लायर है, इंजन का एक सप्लायर है, स्पेयर पार्ट्स का एक अलग सप्लायर है, और सीट्स वगैरह का एक अलग सप्लायर है, स्टीयरिंग और वट एवर आर द कॉम्पोनेंट्स, तमाम चीज़ों का जब अलग अलग सप्लायर है, अब उनमें से कोई एक सप्लायर भी अपने पास इनोवेशन लेकर आता है, वैल्यू एडिशन लेकर आता है, तो वो लेट से जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने अपनी टायर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, वो टायर्स की क्वालिटी जो इम्प्रूव टायर क्वालिटी है वो बाय द एंड ऑटोमेटिकली किस में लेवरेज हो जाएगी, किसके पास प्रोवाइड होगी, मेरी कंपनी के पास। द सेम इज द केस सीट्स की क्वालिटी अगर चेंज हुई है ऑटोमोबाइल के अंदर, इंजन क्वालिटी चेंज हुई है, स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी चेंज हुई है, आउटलुक की क्वालिटी चेंज हुई है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की एनी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इफ दैट इज वैल्यू एडेड and that is innovated, वो innovation automatically incorporate हो जाएगा मेरी manufacturing में। The same is the case with the communication gadgets, let's say mobile है, let's say मेरा laptop है, मैं इसमें बात कर रही हूँ, Intel वालों ने processor की speed बढ़ा दी, processor की वो बढ़ा दी, आपके पास दूसरी companies ने hard disk की capacity बढ़ा दी, या किसी organization ने अपना जो है वो आपका रैम की कैपेसिटी बढ़ा दी, तो ग्रेजुअली एनी ऑफ द कंपोनेंट्स इफ वैल्यू एडेड दैट विल बी द वैल्यू एडिशन इन द अल्टीमेट प्रोडक्ट। और इन केस अगर मैं अपने एम्प्लॉयज में चेंजेस लेकर आती हूँ, उनके प्रोसेसेस में चेंजेस लेकर आती हूँ, असेंबलिंग में चेंज लेकर आती हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। गॉट इट, क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना, अगर इवन आप जापानीज सिस्टम को ही सामने रखते हुए आप ये कंपोनेंट्स एक एक करके गो थ्रू करते चले जाओ, तो किस तरीके से कस्टमर फोकस आ रहा है, किस तरीके से एम्प्लॉई ओनरशिप एग्जिस्ट करती है, यानी आप लीडिंग के एलिमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग करो, ट्राई टू ओन द एम्प्लॉयज। एक बात जब लोग एचआरएम में पढ़ रहे होते हैं, तो एचआरएम में हम लोग कह रहे होते हैं कि हम फायरिंग शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, should be taken as the last step within the organization, keeping in mind the fact that every organization holds certain cost in hiring the employees, in training the employees, in developing the employees, unki training and development pe cost incur ho rahi hoti hai, unki hiring pe to cost incur ho rahi hoti hai, every स्टेप पे उनके हम लोग कॉस्ट को इनकर कर रहे होते हैं, तो अगर हम फायर कर देते हैं किसी